जय हिंद। मैथ सीरीज के अंतर्गत पाई चार्ट देखेंगे। जो भी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। बाद में आप लोग जो है देखते हो और फिर बाद में जो है बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो। सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे फ़ायदा रहेगा कि नोटिफिकेशन आपके पास तक सारे आते रहेंगे और सारी वीडियो हमारी आप तक आती रहेंगी। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, पाई चार्ट का अध्ययन कर लीजिएगा। इस बार आज क्या है, दो पाई चार्ट है। कितने पाई चार्ट हैं? दो पाई चार्ट है। दो पाई चार्ट में पहला जो वर्ष है वो 2005 का है ना, और दूसरा जो वर्ष है वो 2006 का है। 2005 में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1900। और 2006 में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 2400। ठीक, ये है। अब इसमें सवाल नंबर एक को अगर हम देखें तो सवाल नंबर एक में ये पूछा है कि वर्ष 2005 में और 2006 में कृषि में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात क्या होगा, है ना। तो 2005 में कृषि में आप देखेंगे तो कितना, बोलो, 4%, है ना। और 4% कृषि में, और 2006 में कितना है? 3%। 3%, चलो 2006 में है आपका 3%, है ना। अब आप दो ये वाला 4% जो है 1900 का 4% निकाल ले तो बोलो कितना आ गया, 1976, है ना। और इसी तरह से 2400 का कितना निकाल लें, 3% निकाल लें, तो 24 + 3 बोलो कितना हो गया, 72। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 + 3 = 6, 2 + 8 = 16, 2 + 3 = 2 = 12, 2 + 19 = 2 = 18, तो बोलो कितना आ गया, 19:18। कॉपी कर लें। ठीक है, रब कर दें। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो में ये कहा कि वर्ष 2005 में चिकित्सा शास्त्र में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, 2005 में चिकित्सा शास्त्र में, तो बोलो कितनी है, 9%। 9% है। और विद्यार्थियों की संख्या 2005 में विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा शास्त्र में, तो विज्ञान में कितने, बोलो, विज्ञान में 24% है। फिर बचा आपका जी इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग में 15% है। और फिर बचा आपका चिकित्सा शास्त्र, तो उसमें कितने परसेंट है, 9% है। इन्हें सबको जोड़ देंगे तो 4 + 5 = 9 और 9 = 18 = 8, 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4, बोलो कितना आ गया, 48%, है ना। विद्या मिलाकर किल कितने परसेंट है, है ना। तो ये 9% किसका है, 1900 का 9% निकाल लीजिए तो बोलो कितना आएगा, बटे 100। 19 नंबर कितना होता, बोलो, 171। और यहाँ 48% निकालेंगे किसका, 2400 का, 2400 का नहीं, 1900 का ही, कितने का, 1900 का 48%। तो यहाँ 19 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 48 की 19 से गुणा करिए, बोलो कितना आ गया, 912। अब क्या पूछा उसने कि ये जो संख्या है ये इसकी कितने परसेंट है, ठीक है ना, 171 इसकी कितने परसेंट है, तो 171 × 100 / बोलो कितना, 912। इसको सॉल्व कर दीजिए और बताइए कितना आंसर आया। हाँ, इसको सॉल्व कर दीजिए तो कैलकुलेट कर लेंगे आप, 18.75%।
समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए। सात परसेंट नहीं है, 2005 में देखिए, वो 2006 का डेटा देख रहे हो। दोनों 2005 में ही है। ठीक है, हटा दें। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या तीन। प्रश्न संख्या तीन में कहा है कि वर्ष 2005 और 6 में मिलाकर कला पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो आप देखेंगे कि 2005 में कला में कितने हैं, 12% है ना, कला में कितने हैं बोलो, कला में कितने हैं 12%, और 2006 में कला में कितने हैं 11% है ना। दोनों को मिलाकर अब इसका हम 12% तो निकाल लें, किसका, 1900 का, 1900 का 12% निकाल लीजिए, और इसका, ये 2006 में कही थी तो इसका 11% निकाल लीजिए, 2400 का, तो 24 गुणा 11 कर दीजिए, है ना, बोलो कितना आया, 19 गुणा 12 कितना आया, 228, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, और 11 गुणा 24 कितना आया, 264। ठीक है भाई, अब विद्यार्थियों की कुल संख्या है ना, कला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इन्हें दोनों को जोड़ लीजिए, तो 8 और 4 12 का कितना हो गया, 2, बोलो, एक हंसी लग गया, 7 और 2 9, और 2 और 2 4 कितना आ गया बोलो, 492 है ना। अब क्या कहा उसने, इन दो वर्षों में सभी अनुशासनों में मिलाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का, है ना, दोनों वर्षों में सभी अनुशासन में, तो 1900 और ये बोलो कितना, 2400, सारा जोड़ दीजिए, 1900 और 2400 जोड़ दीजिए, तो बोलो कितना आ गया, 9 4 13 3 2 3 1 4 4300 है ना। अब ये 492 जो है, ये 4300 का कितने परसेंट है, अब इसका परसेंट निकाल लीजिए, तो 492 गुणा 100 बटे बोलो कितना, 4300, तो 492 को 43 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा, है ना, तो फिर कितना बचेगा बोलो, 43 से हमने किसको 492 को करा तो 43 गया, और एक नौ तीन में से गए 6 और 2, फिर 43 तो जाएगा नहीं, 11 आ जाएगा, है ना, तो लगभग कितना हो गया, 11%, लगभग कितना हो गया, 11%। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 2005 से 2006 में विज्ञान में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो वर्ष 2005 में आप देखिए कि विज्ञान में कितने परसेंट पढ़ रहे थे, 24%, तो 1900 का 24% है ना, 1900 का 24% बोलो कितना, 456, चलिए ठीक है, ये 2005 में, अब 2006 में विज्ञान में कितने पढ़ रहे हैं बोलो, 25% है ना, और 2400 का कितना निकालेंगे, 25% बटे कितना हो जाएगा, 100, तो 24 गुणा 25 करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 600, कितना आ गया बोलो, 600, तो बढ़ा ना, अब कितना बढ़ा प्रॉफिट परसेंट, कितना हो गया डिफरेंस इनका, 10 में से 6 काटेंगे तो बोलो 4 आ जाएगा, है ना,
और यहाँ कितना बच गया, 9 में से 5 काटेंगे तो बोलो 4 आ जाएगा, और 5 में से 4 काटेंगे तो बोलो 1 आ जाएगा, और 144 गुणा 100 बटे बोलो कितना, कितने वृद्धि हुई तो 456, है ना। सॉल्व करिए, इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4 तो 28 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 1 2 2 1 2 4 8, 2 से 36, फिर 2 से कितना कटेगा, 2 1 2 28 16, 2 5 10, 2 7 14, इसके बाद में आपका ये आ गया 1800 बटे बोलो कितना 57, बताइए इसका कितना आ गया। 31.57, हाँ तो जो भी है 31.57%, इतना परसेंट ये क्या हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, तो इसका फिर एपॉक्स में लिख लेंगे 32%, क्योंकि 50 से तो ज़्यादा हो गया ना, तो जब 50 से ज़्यादा हो गया तो इसको क्या लिख देंगे, 32% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, 32% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम वर्ष 2005 में प्रबंधन में पढ़ रहे, प्रबंधन कहते हैं मैनेजमेंट को, में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या तो 8% है, कितनी है 8%, पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या 8% निकाल लीजिएगा 1900 का, तो 1900 गुणा 8 बोलो कितना 100, तो 19 गुणा 8 करोगे तो बोलो कितना आ गया 152 आ गया, है ना। ठीक, उसके बाद आगे बात करेंगे, वर्ष 2006 में कला में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात कितना होगा, तो कला में बोलो कितने 11%, तो 2400 का 11%, 11 6 44, 11 2 22 और 4 कितना बोलो 26, 264, है ना। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, ये आ गया आपका 152 बटे बोलो कितना 264, 2 7 14, 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 2 से कितना 19 और ये 33, तो बोलो कितना आ गया 19:33, है ना। इस तरह से ये पांचों प्रश्न आपके पाई चार्ट के समाप्त हुए। ठीक है, उम्मीद है सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी, उसके बाद भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपिए। थैंक यू वेरी मच।